अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बीजेपी युवा मोर्चा ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को भेजा 1000 खत। राम मंदिर के बयान के खिलाफ खोला मोर्चा, पनवेल में आंदोलन। जय श्री राम, जय श्री राम। एक कही नारा, एक कही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बयान दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से कोरोना नहीं रुकेगा। पवार के इसी बयान ने भाजपा का गुस्सा बढ़ा दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने इसे हिंदुओं की आस्था और भगवान श्री राम का अपमान बताते हुए पवार के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य भर में मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पनवेल पोस्ट ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और पवार के नाम 1000 चिट्ठियों को रवाना किया। प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटिल ने कहा कि शरद पवार एक बड़े नेता हैं, अगर वो जानते हैं कि कोरोना किससे खत्म होगा तो उन्हें सबसे पहले अपने राज्य की अपनी सरकार को बताना चाहिए, जिसकी विफलता के कारण महाराष्ट्र कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। लेकिन उन्होंने राजनीति चमकाने के लिए श्री राम पर टिप्पणी की है और इसीलिए भाजपा युवा मोर्चा उन्हें श्री राम लिखी चिट्ठी भेज रही है ताकि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। इस देश की जो अस्मिता है, प्रभु रामचंद्र, उनका मंदिर अयोध्या में 5 अगस्त को उसका शुभारंभ हो रहा है और ये सभी नागरिक इस विषय में खुश रहते हैं और ऐसे वक्त इस देश के बड़े नेता, कद्दावर नेता शरद चंद्र जी पवार, इन्होंने एक विधान किया कि मंदिर बांधने से, प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बांधने से कोरोना जाने वाला है क्या? मुझे लगता है कोरोना और प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर, इस दोनों का एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन राजनीति करनी है इसलिए ऐसा एक विधान उन्होंने किया और इसके कारण हमारे जैसे युवा राम भक्त जो है उनकी भावनाएं या टीका भावना जो है वो हम लोग यहाँ पर दुखी हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा विधान करना प्रभु रामचंद्र जी के बारे में ये उचित नहीं है। शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है लेकिन उनको प्रभु श्री राम जी का नाम हम लोग याद दिलाना है हमको, और इसलिए हम ये जय श्री राम भेज रहे। हमें दूसरी बात इसमें यह कहनी है कि अगर इतने बड़े नेता है और उनको यदि मालूम है कि राम जी का मंदिर बांधने से कोरोना नहीं जाएगा, तो जो करने से कोरोना जाएगा अगर उनको पता है तो महाराष्ट्र की सरकार है, उनकी 3 लोगों की सरकार है, 3 पार्टियाँ उसमें, उनको 4 बातें सिखाए और उनको ऐसी बातें सिखाए कि जिससे महाराष्ट्र से कोरोना जो नंबर 1 हुआ है वो महाराष्ट्र कोरोना में किधर पीछे आए, महाराष्ट्र की परिस्थिति सुधार, ये जो है हालत है ये सुधारे। इसके लिए आप उनको कुछ 4 चीज़ें बताएं और नहीं बता सकते तो प्रभु रामचंद्र जी के नाम पर हमने राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये छोटी सी विनती इस विषय में हम करते। बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने जाने वाले हैं, जिसे लेकर देश भर के हिंदुओं में उत्साह है। ऐसे दौर में एनसीपी चीफ शरद पवार के नकारात्मक बयान ने राजनीति को गर्मा दिया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा इसके खिलाफ राज्य भर से 10,00,000 खत जमा कर पवार के निवास मुंबई भेज रहा है। प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र में यह आंदोलन चलता रहेगा। आज हम लोग एक आंदोलन देश भर में कर रहे, 10,00,000 पत्र जय श्री राम लिखकर हम शरद पवार जी को भेज रहे और इसमें हम ये चाहते हैं कि शरद पवार जी ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े नेता है, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता है लेकिन हम राम भक्त है और ऐसे विषय में यदि कोई भी कितना भी बड़ा नाम रहे और अगर प्रभु रामचंद्र जी के नाम को नकारात्मक तरीके से अगर कोई उच्चारण करता है तो उनको प्रभु रामचंद्र जी का नाम याद दिलाने का काम हम जरूर करेंगे और इसलिए हम जय श्री राम लिखकर 10,00,000 पत्र हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। मुंबई का जो उनका पता है उस पर हम ये भेज रहे हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू है। आज पनवेल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष, इस नाते से हमारे सभी सहयोगी, हमारे जिला के अध्यक्ष मयूरेश जी नेतकर, उनकी सब टीम, यहाँ पर हमारे समीर जी कदम, प्रशांत जी कदम, पूरे हमारे टीम के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे पास जो पत्र नागरिकों ने, युवाओं ने दिए हैं, हमारे खुद के भी कुछ पत्र हैं, ये हम आज यहाँ पर जमा कर रहे हैं। अगले 2 दिन ये कार्यक्रम हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। We'll be right back.